हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आ गए वापस एक और नए वीडियो में, और इस बार हम ये सिलिका पर्ल्स कलेक्ट करने आए। हमने एंगलर फिश को टेम किया था, वो ऐसे ही हम वो कोई परसूट कर रहे थे, तो इसको हाई लेवल का दिख गया था ये एंगलर फिश, तो हमने सोचा टेम कर देते इसको। तो ये देखो कितनी सारे कलेक्ट कर दिए। ये हम जब हाथ से कलेक्ट करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में हमको मिलती है, और ये एंगलर फिश बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने टेम कर दिया था। और आप सैडल के बिना भी इसको राइड कर सकते हैं, पर आपको हाई लेवल की टेम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, वरना बाकी सारे डायनो एग्रो हो जाएंगे। जितने भी वाटर वाले डायनो होते हैं ना, वो इस पर एग्रो हो जाते हैं। तो अभी नीचे की साइड भी हुई है थोड़ी सी, तो ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो एक ही बार में 60-50 के आसपास कलेक्ट कर रहा है। और इस साइड भी अब चलते हैं वापस बेस पर। इतनी तो बहुत सारी हो गई है, अभी जाते हैं, रास्ते में थोड़ी और आई तो कलेक्ट कर लेंगे। और ये देखो वापस आ गए हम बेस पर, और ये देखो ये कितना उजाला है। ये लाइट भी ऐसे एमिट करता है अपनी ये बॉडी में से। ये देखो इसके आगे के साइड ये है ना, जो उसमें से लाइट निकल रही है। और ये देखो इधर बाहर लाइट की भी कोई हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, घर के अंदर तक ये रोशनी आ रही है। और अभी तो रात पड़ी हुई है, तो एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। और फिलहाल मैं वो दिखाऊँ इसके पहले, ये देखो इसको भी हमने टेम किया था। ये दोनों को साथ में ही टेम किया था, ये बसिलोसोरस को और ये वाले को नहीं, वो एंगलर फिश थी ना उसको। तो ये भी अब ये ऑयल फार्म करता रहे। और ये देखो अब सुबह हो गई, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो हमने ब्रीडिंग पेन बनाया हुआ है बहुत बड़ा। और इसके अंदर हमने अभी तो एक्वास डाले हुए, अभी तो जब ग्रिफिन टेम करूँगा तो ग्रिफिन भी ब्रीड करूँगा इसके अंदर। और ये देखो ये आरजी का एक वीडियो में देखा था कि ऐसे करके, और दूसरी आरजी भी लगानी अभी तो बाजू में। फिलहाल मीडियम कर देते, ग्राफिक्स को लो कर दिया था हमने, वो लैग बहुत हो रहा था ना इसलिए। और इधर डोडो का करेंगे, जब डोडो बहुत बड़े हो जाएंगे तो इसके अंदर नहीं आएंगे, मतलब बाहर इसके लिए दूसरा भी बनाना पड़ेगा साइड। और ये पता नहीं बीच में क्यों पेड़ उग जाते हैं ऐसे। और ये देखो मैं बाहर था तो इसको ऑन करा के गया था पेड़, और इसका वो बेबी भी मर गया है। ये मैं जब वो एंगलर फिश और ये सब टेम करने गया था तभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे भाई ये भी मैं रखना भूल गया है, ये सिलिका पर्ल्स कलेक्ट किया था ना वो, इसको दिखाने के चक्कर में। और ये पता नहीं क्यों ये दो ही पेड़ उग जाते हैं, एक इस साइड में और एक बीच में। ये किसको मार रहे हैं? अच्छा प्यारा सोर। और इधर नीचे की साइड हमने थोड़े बहुत वो लगाए हुए हैं एयर कंडीशनर, और वो भी कनेक्ट किया हुआ है वो वायर वाला। इसको बनाने में 2-3 दिन लग गए हम, तब जाके ये फिनिश हुआ ये पूरा।
ये ब्रीडिंग पेन है ना पूरा वो वाला। और अभी थोड़े बहुत एयर कंडीशनर लगाने भी बाकी है साइड में, ताकि जैसे ही कोई एक निकले तो वो तुरंत ही हैच होना स्टार्ट हो जाए। और पहले मैंने बनाया तब मुझे लगा बहुत ही छोटा वाला है, नहीं आएगा ज़्यादा डायनो इसके अंदर, फिर पता चला कि बहुत बड़ा है। और ये देखो हमारे परसूट आया था तो हम कंप्लीट करने आ गए, ये रेयर फोटोग्राफी वाला जिसके लिए हमने वो यूनिकॉर्न को ट्रैप करके रखा था ना वो। तो फिलहाल अभी तो इधर से केव में चलते, मेगलोसोरस के ले गए सबसे पहले, क्योंकि अभी दिन है तो वो सो ही रहा होगा केव के अंदर। बस उम्मीद करती है कि बाकी सारे डायनो ना स्पॉन हो जाए इधर, वो अनेक वो टाइटेनो बोआ वो सब आर्टिफैक्ट भी ले ही लेते हैं। और हमने वो फास्ट ट्रैवल किया इसलिए सारी इन्वेंटरी वो गिर गई है हमारी, तो इसलिए वापस भी जाना पड़ेगा अभी। ये देखो आ गया है ग्रीन कलर का, मैं आपको दिखाने के चक्कर में वो क्लिक करना ही भूल गया, अब दोबारा से एडजस्ट करते आ गया। ये सिर्फ इसी केव में मिलेगी आपको, और कोई केव में स्पॉन नहीं होता ये मेगलोसोरस। अभी वापस चलेंगे वो यूनिकॉर्न का वो करने, यूनिकॉर्न का फोटो कैप्चर करने। अरे भाई रात कैसे हो गई, अभी तो दिन निकला हुआ था। इसमें दिखा रहा है कि टू ब्राइट, और इधर तो कहीं सन भी नहीं दिख रहा। वापस चलते हैं, ग्लीच हुआ लगता है हमारा। आरजी को लेकर ही चले गया, फास्ट ट्रैवल नहीं करना, वो ग्लीच हो जाता है। और ये आपको तुरंत ही कलेक्ट करना होगा वरना ये गायब हो जाएगा ही। ये 19 मिनट, 19 या 20 मिनट मिलते हैं आपको ये कलेक्ट करने के लिए, तो अभी चलते हैं। अरे बाइट टाइटेनोसोरस भी इधर ही स्पॉन हो गए, तो पहले इसकी फोटो ले लेते हैं। और इसको ढूंढना तो बहुत ही इजी है, ये कहीं पे भी ये स्पॉन हो जाते हैं, तो ज़्यादातर ये स्नो बायोम में स्पॉन होता है। थोड़ी आगे जाकर हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये हो नहीं रहा है ये सब, या शायद हमें अनमाउंट होकर करना पड़ेगा आरजी पे, इसलिए शायद नहीं हो रहा होगा। तो ये देखो हमने अनमाउंट कर दिया आगे जाके, और ये देखो ये इधर अंदर घुसा हुआ है, और ये ग्रीन कलर का भी आ रहा है। जब हम पूरी फोटो ले रहे थे तब ये रेड लाइन आ रहा था, और अभी ग्रीन वाले लाइन आ रहा है। ये देखो कैसे अंदर घुसा हुआ है। फिलहाल अब चलते हैं यूनिकॉर्न की फोटो वो करने। ये देखो ये रहा, बहुत दिनों से हमने इसी दिन के लिए ट्रैप करके रखा था इसको, ये फोटोग्राफी वाले परसूट के लिए, क्योंकि ये जितने भी डायनो इसके अंदर दिखाए हैं ना कि इसके फोटोग्राफ लेने का, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड ये है यूनिकॉर्न, क्योंकि ये बहुत ही रेयर स्पॉन होता है, पूरे मैप में एक ही यूनिकॉर्न होता है। और वो इसके भी फोटो खींचनी है हमको, ये लेडीज चेस क्या नाम है इसका है? पता नहीं,
ये बड़ी वाली मछली है ना इसकी। तो इसको भी शायद हमको अनमाउंट होकर ही क्लिक करनी पड़ेगी फोटो, वैसे तो नहीं होगा शायद। अब ट्राई करते हैं। वाह भाई, हम जैसे ही ये फ्रेम के अंदर आ गए और ये हो गए ग्रीन लाइन। इसको हमारे साथ ही फोटो खिंचानी थी। अभी परसों कंप्लीट हो गए, कितने एम्बर मिलते हैं? अरे भाई 30 एम्बर मिले इसके अंदर से, और एक वो भी मिला है, क्या बोलते हैं ये फिल्टर, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर मिला है, ऐसा दिखा नहीं अभी मैंने तो देखा नहीं। पहले ट्राई कर इसके अंदर से ले लेते ये। ये वाला फिल्टर मिला हमको, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला। ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है इसके अंदर। और ये भी अच्छा है, ये जैसे किसी ने पेंटिंग की हुई हो ऐसा दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। अभी नॉर्मल कर देते हैं इसके अंदर और चलते हैं अभी बेस। ये तो इधर पास में ही स्पॉन हुई थी ये। तो ये देखो आ गए बेस पर, और हमारे पास एम्बर देखो कितने सारे हो गए। तो हमने सोचा ये भी बाइक कर लेते हैं। ये पता नहीं किसी का सीड आया था, और इसको हम अगर वो लार्ज प्लांट में लगाएंगे तो रेयर फ्लावर आएगा इसके अंदर से, और पोटेंट डस्ट भी मिलेगा साथ में। और मैं देख रहा हूँ कितना कुछ अनलॉक हुआ है। ये प्लांट एक सीड थे, वो ग्रिफिन का केबल बनाने में यूज होता है। और भाई मैं लेवल अप करने के लिए टाइटेनोसोरस को मारने आया था, मतलब गीगा से ही मारा था, और लास्ट जो शॉट था वो इससे मारा था, क्रॉसबो से। तो वो देखो कैसे जाके गिरा है। और ये देखो इसने गीगा की हेल्थ पूरी आधी कर दी थी। अरे भाई बीच में पत्थर आ रहे हैं। ये कितने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं सालों ने बीच में। ये देखो इसके हेल्थ देखो पूरी आधी कर दी थी टाइटेनोसोरस। जब आपको टाइटेनोसोरस मारना हो तो आगे के साइड मारने का, वो एक तो बार में डैमेज करेगा वो, फिर वो करके, पर वो थोड़े हम अटैक करेंगे तो वो ग्लिच हो जाएगा, और वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, वो फंस जाएगा, तो इसलिए अटैक नहीं करेगा वो। और आप उसी टाइम पर स्टेमिना भी रिगेन करके आप मार सकते हो उसको। ये देखो इधर आके गिरा ये। अरे भाई वो साले हार्वेस्ट कर रहे हैं इसकी बॉडी। हमको इन्वेंटरी भी नहीं खोलने दी इसने। और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अच्छा लगा, और इसको मारते हैं पहले।